So, welcome students to part 3 jo hai force and acceleration ka. In a road accident, two cars collide with each other exerting a force of 100 newton for 1 second. Then the impulse is. To dekhe impulse hame kis tarah find karna hai? To f divided by t. Force jo hai 100 newton hai aur time 1 hai. To dekhe 100 newton into second impulse find ho jayega. Theek hai na? Next jo hai impulse ko आपने सीजीएस सिस्टम में किस तरह लिखना है तो देखिए 1 न्यूटन हमारे पास 10 पावर 5 डाइन्स के इक्वल आता है और 100 न्यूटन हमारे पास कितना आएगा 10 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 200 को इस तरह लिखूं डाइन्स के इक्वल आता है तो देखिए 10 पावर 7 डाइन्स और इसके साथ जब सेकंड मल्टीप्लाई कर लें तो 10 पावर 7 डाइन्स इन टू सेकंड्स इंपल्स लगता है नेक्स्ट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर फॉर्मड एट अ तो देखिए पेयर ऑफ बॉडीज पर होता है देखिए फॉर एग्जांपल ये बॉल है इसको आप दीवार के साथ हिट करते हैं ठीक है ना तो ये जब यहाँ आता है तो ये दीवार पर फोर्स लगाता है और दीवार इस पर फोर्स लगा के इसको वापस बाउंस बैक करता है ठीक है ना तो देखिए एक फोर्स दीवार पर लगा और एक फोर्स बॉल पर दोबारा लगा तो पेयर ऑफ बॉडीज टू बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन होता है ठीक है ना नेक्स्ट जो है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी तो देखें नेट फोर्स हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा ठीक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो नेट फोर्स होगा वो कॉन्स्टेंट होगा अगर नेट फोर्स इंक्रीज होगा तो फिर एक्सेलरेशन जो है हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होगा ठीक है ना डिक्रीज भी होगा तो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा वेरिएबल के केस में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता सिर्फ कॉन्स्टेंट फोर्स जब लगता है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है डायमेंशन ऑफ इम्पल्स तो देखिए इम्पल्स का डायमेंशन आप लोग किस तरह फाइंड करें जे इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी इस तरह फोर्स इज इक्वल टू एम ए मीन्स किलोग्राम मास मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इस तरह है नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई बाय टाइम अब लोग इन दोनों में कटिंग करें तो एम एल टी इनवर्स तो ये इम्पल्स आता है देखिए एम एल टी इनवर्स कौन सा है इस तरह आप लोग यहाँ पर माइनस वन तो ऑप्शन ए करेक्ट है ठीक है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जीरो के इक्वल होता है ठीक है ना देखिए इनिशियल मोमेंटम हमारे पास फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है जब फाइनल मोमेंटम को मैं इधर ले आऊँ तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम इक्वल टू जीरो इट मीन्स के चेंज इन मोमेंटम जीरो के इक्वल होता है नेक्स्ट अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम लीव्स द गन ऑफ मास 10 के जी गन है उसका मास 10 के जी है बुलेट का मास 100 ग्राम है विद अ मजल स्पीड ऑफ 100 वो जो बुलेट होता है वो उसका जो स्पीड होता है वो 100 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ अ गन तो रिकॉयल किस तरह फाइंड करना है कंडीशन ये दी गई है कि एक गन है इस तरह देखें ये गन है ठीक है ना इससे एक बुलेट आता है ठीक है ना तो बुलेट जब मूव करता है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करता है ठीक है ना तो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन है और वेलोसिटी किस कितने 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ठीक है ना और बुलेट का जो मास है वो 0.1 केजी है ठीक है 0.1 केजी या फिर 100 ग्राम्स ठीक है और फिर जो गन का मास दिया गया है वो 10 केजी है ठीक है और ये लोग क्या कह रहे हैं कि वो रिकॉइल स्पीड फाइंड करना है तो रिकॉइल से हमें ये बात पता चलती है कि रिकॉइल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो इसका मतलब ये है कि वो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी मीन्स उसके ऑपोजिट में वो वेलोसिटी होगी तो आप लोग जल्दी इस तरह के क्वेश्चन फाइंड करें तो जो आगे वाला होता है आप उसको पॉजिटिव कंसिडर किया करें हमेशा ठीक है ना आगे वाले जो है उस वेलोसिटी को आप लोग पॉजिटिव कंसिडर किया करें और जो पीछे वाला होता है जो पीछे की तरफ जाता है ठीक है ना इस तरह उसको आप लोग नेगेटिव कंसिडर करें तो देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के जीरो होता है जब फायर नहीं हुआ होता जब फायरिंग नहीं हुई होती तो आप लोगों ने क्या करना होता है तब आप लोग जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो रेस्ट में होती है ना जो गन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है देखिए इनिशियल वेलोसिटी को मैंने जीरो लिया इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए आप लोग इसको नोट करें मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू जीरो ठीक है ना देखिए ऊपर वाले से हमने ये जीरो कंसिडर किया तो देखिए 10 के जी गन है और मैंने आप लोग कहा था कि वो वेलोसिटी रिकॉल हुआ था तो वो पीछे की तरफ आ गया तो माइनस आपने लेना है ठीक है प्लस आपने क्या करना है मोमेंटम ऑफ बुलेट 0.1 के जी मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर पर सेकेंड देखिए बुलेट आगे की तरफ गया था तो आपने इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है तो देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 10 वी वन आता है क्योंकि वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और ये हमें नहीं पता और इस इन दोनों से 10 आता है तो इस वाले 10 को आप लोग यहाँ पर ले आए पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा और ये दूसरा जो है
माइनस टेन है तो आप इसको डिवीजन में ले आए तो वी वन इज इक्वल टू इन दोनों में कटिंग हो जाएगी तो 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर को आप लोग सेंटीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ 10 पावर 2 लगा रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर वी वन इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है तो ये आप लोगों का सी जी एस में आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने साइंस को इस तरह ही कंसिडर करना है जो पीछे आता है, ठीक है ना, जो इस डायरेक्शन में आता है आप लोगों ने इसको नेगेटिव कंसिडर करना है, जो इस डायरेक्शन में होता है उसको आपने पॉजिटिव कंसिडर करना होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी को, वेलोसिटी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन डिफर फ्रॉम ईच अदर। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है दोनों में होता है, सेम होता है, इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है दोनों में, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। तो देखिए इनइलास्टिक में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कुछ साउंड में चेंज होता जाती है, कुछ लाइट में, कुछ हीट में, तो इस तरह वो डिफर करते हैं ये दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट की तरफ देखिए इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया गया है कि हमारे पास 4 बॉल्स है, ठीक है ना, 4 एक ए बी सी और डी सेम साइज के है और वो फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, ठीक है ना, सेम लाइन पर। इफ बॉल ए कोलाइड्स विद बी देन बी, तो ये कह रहे हैं कि अगर बॉल ए को हम कोलाइड करें इस वाले के साथ बी के साथ, फिर क्या होता है, बी हमारे पास सी वाले के साथ कोलाइड हो जाती है और सी जो है डी वाले के साथ कोलाइड हो जाती है। तो हमसे फाइनल मोशन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए अगर आप लोग इसको खुद भी कर ले, 4 बॉल्स ले और उसको एक ही लाइन पर रख दे, ठीक है ना, अगर ए वाले को आप लोग मोशन देंगे तो ये इसके साथ टकरा कर रेस्ट में आ जाएगा, फिर ये वाला मोशन में आ जाएगा और ये रेस्ट में, फिर यहाँ पर आ जाएगा और ये मोशन में, फिर यहाँ पर ये रेस्ट में आ जाएगा और ये डी जो है ये मोशन करता जाएगा। तो फाइनल में क्या होगा, जब आप लोग थोड़ी देर बाद उसको देखते हैं फाइनल, तो ये तीनों रेस्ट में आ गए होंगे और ये वाला सिर्फ मोशन करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए रेस्ट में, बी रेस्ट में, सी रेस्ट में और ये वाला जो है मोशन करता जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन द कोलिजन ऑफ टू कार्स द लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जब टू कार्स कोलाइड होते हैं तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है ना, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो बी करेक्ट है। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, रॉकेट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है। किस तरह, देखिए ये एक रॉकेट है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो गैसेस जो होती है, ठीक है ना, वो एक्सपेल आउट होती है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मास होता है रॉकेट का और वेलोसिटी अपनी होती है, ठीक है ना, और ये गैसेस का जो है हमारे पास फ्यूल जो होता है उसका मास डिक्रीज होता है और गैसेस की वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से ये रॉकेट आगे जाता है। तो देखिए फ्यूल का मास होता है और वेलोसिटी होती है गैसेस की, ठीक है ना। तो इस तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर एक्ट करता है, यानी जब वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर इसका मास डिक्रीज होता है, तो दोनों इनिशियल और फाइनल यानी दोनों की वेलोसिटी जो है, दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहता है। नेक्स्ट जो है, टू ट्रॉलीज ए एंड बी मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद लीनियर मोमेंटम। तो देखिए इस तरह कंडीशन दी गई है कि टू ट्रॉलीज है ए और बी, लेट सपोज ये ट्रॉली हो गई, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। मोमेंटम जो है एक 30 न्यूटन सेकेंड है और दूसरे का 14 है, ठीक है ना, कोलाइड विद ईच अदर एंड स्टार्ट मूविंग इन रिवर्स डायरेक्शन। तो देखिए ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये फिर इस तरह मूव करने लगेगी, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है। तो देखिए आपने क्या करना है, ये हमारा पीछे की तरफ आ रहा है तो आपने इसको नेगेटिव कंसिडर करना होगा, इसको पॉजिटिव, फिर इस वाले को नेगेटिव आपने कंसिडर करना होगा, इस वाले को पॉजिटिव कंसिडर करना होगा। तो देखिए किस तरह आपने करना है, यहाँ पर टोटल मोमेंटम जीरो, यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो होना चाहिए, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो देखिए मोमेंटम ऑफ ए प्लस, तो यहाँ पर देखिए बी वाला इस साइड पर आ रहा है तो यहाँ पर माइनस बी मोमेंटम इक्वल टू ये फाइनल मोमेंटम में मोमेंटम ऑफ ए, तो आपने ए वाले को नेगेटिव कंसिडर करना है, ठीक है ना, ये पीछे की तरफ ये वाला आ रहा है और दूसरा आगे की तरफ जा रहा है तो ये वाला आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ पर 30 प्लस माइनस 15 और यहाँ पर -5 न्यूटन पर सेकेंड, तो इस इन दोनों से 15 आ जाएगा और ये -5 न्यूटन पर सेकेंड है, प्लस बी, बी हमने फाइंड करना है, ठीक है ना, मोमेंटम ऑफ बी। तो इस 5 को आप इस जगह पर ले आए तो +5 न्यूटन पर सेकेंड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी, तो अगर इन दोनों को प्लस करें तो 20 न्यूटन पर सेकेंड फाइनल आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ये करना है, ये साइन का ख्याल जरूर रखें। नेक्स्ट है, अ स्लो मूविंग प्रोटॉन ऑफ स्पीड वी इंटरेक्ट हेड ऑन विद यूरेनियम स्टेशनरी न्यूक्लियस, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आफ्टर इंटरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने मोमेंटम के केसेस में पढ़ा था, जब एक बॉडी बहुत ज्यादा स्मॉल हो और दूसरी बहुत ज्यादा साइज में, मास में ज्यादा हो, तो देखिए एक प्रोटॉन है
और वो कुछ वेलोसिटी के साथ यूरेनियम से टकराता है. यूरेनियम जो है रेस्ट में, हमें पता है कि यूरेनियम में 92 प्रोटॉन होते हैं, विच इज मच ग्रेटर देन वर्ल्ड प्रोटॉन, ठीक है ना. तो जब ये यहाँ इसके साथ कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, यूरेनियम तो अपनी जगह पर होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना. वापिस ही उसी जो वेलोसिटी के साथ वो पीछे आ जाएगा, मीन्स मोशन स्टार्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. पीछे आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट जो है, अ 30 ग्राम कैरम स्ट्राइकर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो देखिए यहाँ पर कंडीशन को देखिए, एक कैरम स्ट्राइकर है यहाँ पर, वो 30 ग्राम का है, ठीक है ना, 30 ग्राम का है, और वो वेलोसिटी इसकी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से है. और यहाँ पर एक डिस्क पड़ा हुआ है जो कि 5 ग्राम्स का है, ठीक है ना, और वो रेस्ट में है इनिशियली. तो ये इसके साथ जब टकराता है तो फिर क्या होता है, ये जो है ये मोशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इन दोनों के मास में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है ना. तो ये मोशन स्टार्ट कर लेता है और इसकी वेलोसिटी 10 से 30 ग्राम की जो वेलोसिटी होती है वो 10 से हमारे पास 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है ना. आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लें, 10 से 6 सेंटीमीटर हो जाती है. तो हमसे ये मांगा गया है कि ये जब मोशन स्टार्ट कर लेता है तो इसका मोमेंटम क्या होगा हमारे पास. तो देखिए आप लोग, इनिशियल मोमेंटम 0 है, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसने चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम 0 होता है, ठीक है ना. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो देखिए मोमेंटम ऑफ स्ट्राइकर आपने किस तरह फाइंड करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 10. आपने वैल्यूज जो है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सीजीएस सिस्टम में दिए गए हैं, ठीक है ना. तो स्ट्राइकर 30 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि वो रेस्ट में है. तो इसका मोमेंटम 0 आता है इनिशियली, और ये जो है 30 न्यूटन सेकंड मोमेंटम आता है. तो देखिए फाइनल को स्ट्राइकर फिर क्या करता है, 30 ग्राम का तो होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी 6 हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना. और जो ये है मोमेंटम ऑफ डिस्क हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है. तो 180 को आपने यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना, माइनस आ जाता है फिर इससे. तो मोमेंटम क्या आ जाता है, मोमेंटम ऑफ डिस्क हमारे पास 120 सेंट, देखें यहाँ पर मोमेंटम ऑफ डिस्क 120 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाता है. इसको सीजीएस सिस्टम में आप डाइंग इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह आ जाता है. नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑन एलिवेटेड सर्फेस डिपेंड ऑन, तो देखिए वो वेट मास और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना. एलिवेटेड बॉडी का जो एक्सेलरेशन है हाइट पर डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन, तो देखिए कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स भी इन इलास्टिक होती है, वेट बॉल कोलिजन भी इन इलास्टिक होते हैं, क्योंकि वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ठीक है ना हीट में. अब बुलेट कोलाइड विद अ ब्लॉक एंड बिकम अ सिंगल बॉडी, तो जब सिंगल बॉडी हो जाती है तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है. तो ऑल ऑफ द अबव, देखिए इन इलास्टिक के क्या कंडीशन है, इन इलास्टिक के कंडीशन है कि फाइनली जो है वो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इस तरह कंबाइन हो जाती है. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती, ठीक है ना. इस तरह जो इन इलास्टिक की कंडीशन है ये है, और मोमेंटम एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है. व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी व्हेन देयर, तो देखें वेलोसिटी तब ही इंटरचेंज करती है जब मासेस सेम होती है, ठीक है ना, मासेस आर इक्वल, ठीक है ना. वेलोसिटी पर देखें, वेलोसिटी या चाहे इक्वल हो या एक दूसरे से थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर मासेस इक्वल हो तो वो वेलोसिटी फाइनली वेलोसिटी एक दूसरे को चेंज करा देती है, ठीक है. अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ए इज इक्वल टू, देखें ये इक्वेशन दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि ए जो है हमारे पास, हमें ये बताया गया कि ए हमारे पास कॉन्स्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन क्या है. देखें देखें ये इक्वेशन दिया गया है कि एक्स इज इक्वल टू 20t + 2a और स्क्वायर, ये ए जो है ए हमारे पास कांस्टेंट है. ए का ये यहाँ हर किसी मतलब नहीं है कि ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बस कोई कांस्टेंट इन लोगों ने लिया हुआ है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ बी भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बी भी ले सकते हैं. देखिए मेन इक्वेशन जो है हमारे पास ये है, vit + ½at², ठीक है ना, मेन इक्वेशन ये है. तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेलरेशन को इस तरह ऐसा क्या लेना है कि हमारे पास वो 2a आ जाए. तो देखें लेट्स सपोज मैं एक्सेलरेशन को a इज इक्वल टू 4a ले लेती हूँ, ठीक है ना. तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, तो इसमें आप लोग पुट इन करें इसमें, तो देखिए इस तरह 20t, ठीक है, प्लस हाफ और a के बजाय यहाँ पर जो है a की जगह आप लोग 4a लगा दें, 4a. तो इसमें जब आप लोग कटिंग करते हैं ना तो यहाँ पर 2a रह जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर 2a रह जाती है, ठीक है ना, जब आप लोग कटिंग करते हैं इसमें. तो इस तरह इक्वेशन, तो देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास जब हम 4a लगा लेते हैं तो उस पर्सन का एक्सेलरेशन जब 4a होता है तो ये वाला इक्वेशन से ही आता है, ठीक है ना. तो ऑप्शन में 4a है. ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा कर लिया, आप लोग तो बस अंदाजा लगा रहे कि यहाँ पर a की जगह हम ऐसा क्या लगाए कि वहाँ ये वाला आ जाए, 2 पर आ जाए, तो 4a लगा लें तो उसमें कटिंग कर लें तो वो आंसर आ जाएगा. तो आंसर हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4a, ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज द सेम डायरेक्शन,
तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि इफ इज इक्वल टू एन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो फोर्स और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं. मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन हेंस डिक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ. तो देखिए इम्पल्स हमें एफ डिवाइड मल्टीप्लाई बाई टी जब टाइम को हेलमेट इंक्रीज करता है ठीक है ना. देखिए हेलमेट में जो अंदर वो सॉफ्ट सा फॉर्म वगैरह होता है तो वो इस तरह टाइम को इंक्रीज करता है. इन टर्न हमारे पास फोर्स जो है इफेक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज हो जाता है ठीक है जो है ये रह जाता है ठीक है ना. जे हमारे पास इम्पल्स आ जाता है इम्पल्स तो वो फोर्स के इफेक्ट को एक्चुअली इंक्रीज डिक्रीज करता है ठीक है ना. फोर्स के इफेक्ट को इम्पल्स तो हम इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं ठीक है ना. जो फोर्स मल्टीप्लाई हुआ ठीक है इसको इम्पल्स कहते हैं. लेकिन वो जो फोर्स होता है ना जितना फोर्स बंदे को लगता है कोलिजन के जरिए तो वो इफेक्ट जो है वो हेलमेट डिक्रीज करता है. नेक्स्ट ठीक है यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑप्शन बी करेक्ट आता है ठीक है ना. फोर्स को वो इफेक्ट को इंक्रीज डिक्रीज करता है फोर्स के इफेक्ट को. व्हेन कार टेक्स टर्न अराउंड अ कर्व रोड द पैसेंजर फील फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर फॉर दिस इज. देखिए फॉर एग्जांपल ये एक रोड है ठीक है ना. एक रोड जा रहा है इस तरह कर्व के जरिए. अगर यहाँ पर कार में कोई बंदा बैठा हो ठीक है ना कार में बैठा हो तो वो किस तरह इफेक्ट को फील करेगा. वो इस तरह यहाँ इस साइड पर झुक जाता है ठीक है ना. वो इस तरह फोर्स फील करता है ड्यू टू देयर इनर्शिया. नेक्स्ट एक्सेलरेशन इन द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू एन पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एक्सपेल्ड गैसेस वेयर द वैल्यू ऑफ एन मस्ट बी. तो देखिए यहाँ पर जो फोर्स जो एक्सेलरेशन होता है ठीक है ना तो वो ये हमारे पास रॉकेट फार्मूला है ठीक है ना. इसको हम रॉकेट फार्मूला ये आप लोग याद कर लें. इसको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ईटा में आप लोगों को सिर्फ फार्मूला ही आता है ठीक है. तो ये रॉकेट फार्मूला है. तो देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड करता है एन पावर ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर पावर एन है. देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वी इस तरह है. लेकिन पावर तो यहाँ पर वन है कोई स्क्वायर नहीं है सिर्फ वन है इसलिए हम वन को नहीं लिखते. देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी तो वो वन के इक्वल होता है ठीक है ना. ये फोर्स फॉर ये जो है रॉकेट फार्मूला है हमारे पास. ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है ना कि ये जो है हमारे पास फ्यूल को रिप्रेजेंट गैसेस को रिप्रेजेंट करता है. गैसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह जाते हैं ना. देखिए फॉर एग्जांपल ये गैसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं लेकिन एक्सेलरेशन रॉकेट का इस तरह आगे की तरफ होता है. तो नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट टू इक्वल मासेस ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस एयर ट्रैक एट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड दे स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट. तो देखिए स्टिक टुगेदर का क्या मतलब हुआ. इसका ये मतलब हुआ कि ये इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है ठीक है. इससे हमें ये पता चल गया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी ठीक है ना. कंजर्व नहीं होगी. थर्ड बात ये पता चली कि ये जब हमारे पास स्टिक टुगेदर हो गया तो हम वेलोसिटी दोनों की फाइंड करेंगे कंबाइंड वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे ठीक है ना. इस तरह तो देखिए आप लोग तो देखिए मास m है इक्वल मासेस है दोनों के तो m 60 है 60 मीटर पर सेकेंड. ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लिया प्लस m 40 पीछे की तरफ आ रहा है तो इसको नेगेटिव ले लिया. और दूसरा जो है m प्लस m और v कंबाइन आपने फाइंड करना है. तो इन दोनों को जब प्लस करते हैं 2mv आता है. इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 तो 60m माइनस 40m से 20m आ जाता है ठीक है ना. 20m और इससे 2m तो 10 2 1 2 और 2 10 20 और इस m और m को आप लोग क्रॉस कर दें ठीक है ना. तो वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. तो ये हमारे पास क्या हुआ फोर्स एंड मोशन का लास्ट एमसीक्यूज था. ये ख़त्म हो गया. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें और जिस चीज़ की समझ ना आए उसके कमेंट ज़रूर कर लिया करें. अल्लाह हाफिज़.